Welcome to Dr. Gantha Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर बोले तो कोई भी चीज़, आपकी मशीनरी चलानी है तो उसको मोटर चाहिए, वैसे ही आपको चलाना है तो आपको भी मोटर सेल्स चाहिए। अब ये मोटर सेल्स कहाँ पे है जो आपको चला रही है? दो जगह पे, एक तो दिमाग में मोटर कॉर्टेक्स वहाँ पे है, उसको हम लोग अपर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, और दूसरी जो है स्पाइनल कॉर्ड में है, क्रैनियल नर्व न्यूक्लिया में है, उसको हम लोग लोअर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। एक कैसे काम करती है, जस्ट एक एग्जांपल देखिए, आग लगी है क्या होगा? अब की आँखों ने देख लिया, अब भागोगे, उसी टाइम पे मोबाइल चालू करोगे, उसी टाइम शायद चिल्लाओगे, आपके तीन स्नायु साथ में काम कर रहे हैं। ऑर्डर कौन दे रहा है? आपके दिमाग के अपर मोटर न्यूरॉन। और ये किसको ऑर्डर दे रहे हैं? आपके गले के स्नायुओं को, हाथ के, पैरों के, और सभी चीज़ें साथ में काम कर रही है। ये जो ऑर्गेनाइज काम सबसे करवाना है, ये काम है अपर मोटर न्यूरॉन का। अब समझो कुछ कारण से ये आपके दिमाग के अपर मोटर न्यूरॉन कम होने लग गए। देखिए ये इधर अपर ए, और वो अगर कम हो गए तो क्या होगा? ये जो अपर मोटर न्यूरॉन कम हो गए या जो बीमार पड़ गए या मरने लग गए हैं, उनका नंबर कम हो गया, तो ये काम कौन कराएगा? एक काम उतना स्पीडीली नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा? अपर मोटर न्यूरॉन की बीमारी है तो आपका स्लोनेस आ जाएगा। मेरे को ये हाथ सीधा करना इतना इजी है, वो भी मेरे को जल्दी से नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके शायद उतना भी नहीं कर पाऊँगी, हाथ की उंगलियाँ बंद करनी, हर चीज़ में मेरे को स्लोनेस आ जाएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी, हाथ कड़क हो जाएगा। अब यही लोअर मोटर न्यूरॉन है, उनकी कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा? ये लोअर मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? अभी मेरा ये लोअर मोटर न्यूरॉन है, समझो ये मेरा यहाँ का, समझ लीजिए यहाँ से निकला है, यहाँ गया है, तो हाथ का है, तो ये हाथ से काम कराना है। अगर ये लोअर मोटर न्यूरॉन मेरा अंगूठे का नहीं काम कर रहा है, तो मैं अंगूठा मेरा बराबर काम नहीं करेगा, मैं अंगूठे से बटन नहीं लगा पाऊँगी, सिंपल काम नहीं कर पाऊँगी। ये स्पाइनल कॉर्ड आपका, इस स्पाइनल कॉर्ड में से आपका लोअर मोटर न्यूरॉन जा रहा है, इसको ऑर्डर कौन दे रहा है? आपका दिमाग, दिमाग के मोटर सेल्स, और ये स्नायु तक जा रहा है, स्नायु से काम करा रहा है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये जो महाशय है जिनका मैं वीडियो बता रही हूँ, डेढ़ दो साल से उनको तकलीफ थी, चलने में तकलीफ हो रही थी, थोड़ी बहुत बोलने में तकलीफ हो रही थी, वैसे उनके काफ़ी रिपोर्ट्स हो चुके थे और सब रिपोर्ट्स वैसे प्रैक्टिकली ज़्यादा कुछ खराबी नहीं थी। इनका आवाज़ सुनिए, केम छो एक्चुअली इनका जो बाया पैर है जो ये देखो घसीट रहे हैं, क्योंकि उनके पैर पतला पड़ा हुआ है नीचे से, इवन अंगूठे की जगह है उसके बीच वाली जगह में भी एकदम पतला पड़ा हुआ है। इनके मैंने पूरा चेकअप किया था तो सब हाथ पैर तो कड़क थे, पर नीचे वाला पैर जो है लेफ्ट वाला वो पतला पड़ा हुआ था। इनके सब रिपोर्ट में भी मोटर न्यूरॉन डिसीज ही आया हुआ है, और इनकी जो बीमारी है उसमें अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों ही इन्वॉल्व है, यानी नीचे का पैर पतला पड़ा हुआ है पर बाकी सब कड़क है। इसको MND के सिवा एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो इस बीमारी में अपर मोटर न्यूरॉन यानी ऊपर वाले न्यूरॉन्स और नीचे वाले न्यूरॉन यानी लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, तो काफ़ी बार पेशेंट कड़क भी रहते हैं और उसके साथ में उनके हाथ में से काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे वो स्नायु उनके कमज़ोर भी हो चुके हैं, पतले पड़ गए हैं, जैसे आपको बताया चलने में तकलीफ हो सकती है, हाथ में चीज़ नहीं पकड़ सकते, बटन नहीं लगा पाते, बोलने में तकलीफ होती है, निगलने में तकलीफ होती है, काफ़ी बार जीभ इन्वॉल्व होगी तो, और उनके स्नायु पतले पड़ने के कारण वजन भी काफ़ी कम हो जाता है, और किसी का अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होगा तो उसके कारण इन्वॉलंट्री लॉफ्टिंग बोलते हैं, अचानक वो हंसना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे और मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए ये सब इसी एक ही स्लाइड में बताया हुआ, नॉर्मल न्यूरॉन, ए न्यूरॉन एक्चुअली मरता हुआ न्यूरॉन बोलेंगे, या पतला मीन्स न्यूरॉन अभी ये शायद ख़त्म हो जाएगा, इसके कारण पेशेंट को चलने में तकलीफ होती है, गिर जाते हैं, काम नहीं कर पाते, हाथ में भी सेम प्रॉब्लम आती है, काफ़ी बार
शोल्डर उठा नहीं पाते, उन लोगों को कसरत विसरत थोड़ी बहुत करती रहनी चाहिए तो प्रॉब्लम कम हो जाती है। उनके लिए स्पेशल व्हीलचेयर्स आती है, उसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं होती है कि जिसके कारण वो लोग काफ़ी इंडिपेंडेंटली खुद के काम सब खुद कर सकते हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? एक तो हिस्ट्री, अगर पेशेंट आया है, ट्विचिंग हो रहा है, आप उसकी जीप देखी, जीप भी ऐसे उड़ती हुई मिल रही है या पैरों में मिल रहा है, उसके साथ चलने में तकलीफ है, EMG NCV रिपोर्ट किया है, उसमें भी आया है कि उनको मोटर न्यूरॉन डिसीज़ है और बाकी उसको दूसरी कोई बीमारी नहीं है, तो मोस्ट लाइकली मोटर न्यूरॉन डिसीज़ ही है। उनको आप ऑब्जर्व करते ही जाओ और फिर मालूम पड़ता है हाँ भाई ये बीमारी हो रही है। अब ट्रीटमेंट क्या है? एक राइलोसोल गोली आती है, कितना फ़ायदा होता है किसी को ही नहीं पता है। उसके सिवा नई दवाइयाँ आ रही है, पर डेफिनेट 100% ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि ये कर लो आपका मोटर न्यूरॉन डिसीज अच्छा हो जाएगा। बस फिजियोथेरापी करते रहो तो उसके मसल के कॉन्ट्रैक्चर नहीं होंगे और टिके रहेंगे। उसके साथ स्पीच थेरापी भी करते रहो। मैंने जो पेशेंट के फ़ोटो बताए थे वो मेरे पास जब आया था उससे उसमें काफ़ी सुधारा, मेरे को बोलने में भी मिला था, चलने भी मिला था, जस्ट बिकॉज ऑफ फिजियोथेरापी स्पीच थेरापी। और रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी से अच्छी व्हीलचेयर की जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए तो उसको पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है। उनका लाइफ स्पैन कितने हैं? अब इसके लिए डिपेंड्स ऑन, अब मेरे पास एक सेल्समैन आया था, उसको बोलने में तकलीफ हो रही थी, मैंने उसकी जीभ देखी तो आप भी देखोगे तो यहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं और उसकी एक जीभ के ऐसे स्नायु हिल रहे थे जिसको हम लोग ट्विचिंग बोल रहे थे। मुझे मालूम था कि ये बेचारा वैसे ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर पाएगा और वैसे गले का इन्वॉल्वमेंट है तो आगे की ट्रीटमेंट समझो इसको होल्ड करना हो या ये करना हो तो या फीडिंग के लिए कुछ व्यवस्था करनी हो तो ये भी इनके बियॉन्ड है, तो इसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होगी। अब दूसरे पेशेंट का मेरा एग्जाम्पल, मेरे पास 5 साल से ज़्यादा हो गए आ रहा है, उसके सिर्फ एक ही पैर में तकलीफ ज़्यादा थी, दूसरे में कम थी। वो बोला मैं उसके साथ गाड़ी भी चला सकता हूँ, अभी भी वो स्टेट्स में कभी कभी बीच में इधर आता है, बट उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी भी मोबाइल है, अभी भी काम धंधा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट उसको टेंशन है मेरा मोटर न्यूरॉन डिसीज है तो मेरा क्या होगा, बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अब लास्टली मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, स्टीफन हॉकिंग, आपने नाम तो सुना होगा, फेमस फिजिसिस्ट, ब्लैक होल, उनकी बहुत सारी बुक्स, उनके बहुत सारे लेक्चर्स, मैंने तो सुना वो सिंगिंग भी करते, उन्होंने बहुत सारी शादियाँ भी की थी, यानी हर फील्ड में एक्टिव, हर ओर से एक्टिव। और 1942 में उनका जन्म हुआ था, 21 साल की उम्र में उनका मोटर न्यूरॉन डिसीज़ डायग्नोसिस हुआ था। जब डायग्नोसिस हुआ था बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनकी दुनिया को ज़रूरत थी, उनको जैसे ज़रूरी पड़ी लगी वैसे हर जगह से उनको फैसिलिटीज़ दी गई, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजिकली हेल्प, असिस्टेंट, सब कुछ। और उसके साथ में उनके रिसर्च, उनके बुक्स, उनका प्रोग्रेस सब कुछ हो रहा था, जबकि वो टोटली पैरालाइज हो गए थे, उसके बाद भी उनका एक चीक मसल चल रहा था, उसके साथ वो लेक्चर्स मैनेज कर रहे थे वॉइस मॉड्यूलेशन से, हर चीज़ से। 2018 में उनकी डेथ हुई, उसके जस्ट पहले भी उन्होंने एक भाषण दिया हुआ है। सो एक बात है, टोटल पैरालिसिस हो गया पर आपका दिमाग अच्छा है, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो अ विल फाइंड अ वे, सो डोंट वरी। और अगर MND है तो भी मैं काफ़ी बार मेरे पेशेंट को यही बोलती हूँ, आपका जॉब थोड़ा सा अगर चेंज करने की ज़रूरत है आप चेंज कर लो, कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था करो और आप काम करते ही रहो, उसके साथ बाकी फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी जो जो जरूरी पड़ती है लो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।